गाइस, तो मार्केट यहाँ का ओपन होने वाला है। वैसे में हमारे पास यहाँ पे सेलर कैसल मिल सकता है, और यहाँ पे बायर सेलर होगा और नीचे में बायर्स होगा। बीच में ये वाला एसएल को हम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे सपोज यहाँ पे अगर ओपन होते ही कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देता है, तो देखना होगा हमें किस तरह से कैंडल बनाता है। तो हम तो थोड़ा सेलिंग साइड का प्लान कर रहे हैं, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास मिलता है। ओवरऑल सब कुछ कैंडल पे डिपेंड करेगा किस तरह का कैंडल बनाता है, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर कोई तेजी का कैंडल यहाँ पे बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना के ऊपर के साइड जाता है, फिर तो हम सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे, रिट्रेसमेंट का थोड़ा वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट का वेट करने का बाद देखेंगे बाइंग साइड का कुछ सेटअप अगर बनता है तो बाइंग साइड में जाएंगे। और अगर डायरेक्टली अगर यहाँ से कोई फिर से कल का तरह रेड कैंडल बना देता है यहाँ पे, तो नीचे के साइड में बायर्स निकल जाएगा। फिर हमें वेट करना होगा, देखना होगा किस तरह से क्या करता है। यहाँ पे ट्रैप भी कर सकता है सेलर को, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे कोई बड़ा रेड कैंडल बना देता है तो वैसे में क्या होगा, जो बायर्स यहाँ पे एकुमुलेट हुए वो कहीं ना कहीं अपना पोजिशन काट के निकल जाएंगे। तो फिर मार्केट हो सकता है थोड़ा मोड़ा नीचे आए, फिर यहाँ से रिवर्स भी मार सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी बना हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा संभल के ट्रेड लेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, आराम से सेटअप दिखेगा फिर हम ट्रेड बनाएंगे, फिर कल की तरह करने का कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से मार्केट ट्रैप में ना डाल दें। यहाँ पे एक राउंड लेवल है 42,000 का, तो इसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट, सेलर यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पे। और ऐसे में तो ये बायर्स तो निकल ही गया होगा और ये भी निकल ही जाएगा, और थोड़ा इस लेवल का ब्रेकआउट वगैरह कर दें। यहाँ पे हम बाइंग साइड का एक ट्रेड बनाएंगे, वेट करते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं दो कैंडल, फिर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे हम। कल की तरह फिर से ये कंटिन्यू सेलिंग साइड में जा रहा है। वैसे में यहाँ पे पोजीशन बनाना सेलिंग साइड का खतरा हो सकता है, कहीं ट्रैपिंग में ना डाल दे। वैसे सेलिंग काफी स्ट्रांग हो रहा है, तो थोड़ा अगर रिट्रेसमेंट मिल जाए ना, तो या तो सेलिंग साइड में एंट्री बना लेंगे या फिर थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि नीचे के साइड वैसा एसएल है नहीं। मार्केट रोज रोज एक ही तरह से गिरेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं इस लेवल का किस तरह से ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम देखेंगे कैंडल किस तरह से बनाता है। अभी ऐसा सेलिंग में बाइंग करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इस तरह से रिकवर कर देगा, वैसा होता नहीं है, खूब रेयर चांस में ऐसा होता है। चलिए वेट करते हैं अभी। ओके गाइस, तो अपना एंट्री हो चुका है और हमने इस वाले ग्रीन कैंडल पे एंट्री लिया है। बाय किया है 41,700 का सी। क्यों यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बनाया है? पोजीशन थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ऐसा सेलिंग साइड का माहौल में बाइंग साइड का पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्क हो जाता है। बट मैं यहाँ पे रिक्स लिया हूँ सोच समझ के, क्योंकि देखिए मार्केट क्या किया था, कल भी इसी तरह डाउनफॉल आया था मार्केट बहुत ही अच्छा, और आज भी इसी तरह डाउनफॉल आया, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट सबका थोड़ा सेलिंग साइड का बना होगा, ठीक है। और मार्केट में नीचे का साइड कोई भी एसएल है नहीं जिसको टारगेट करते हुए मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजिशन बना लूँ। देखिए जाने का तो सेलिंग साइड में चला जाए, वो दिक्कत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे बाइंग साइड में पोजिशन क्यों बनाया? मार्केट क्या किया, यहाँ से थोड़ा गया ऊपर के साइड और ये ठीक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से रिएक्शन लेकर फिर से डाउन साइड आने का कोशिश कर रहे हैं। आने का थोड़ा नीचे का साइड आ सकता है, यहाँ पे कोई बाइंग साइड का पोजीशन जल्दी से बनाएगा नहीं, ठीक है। तो वो सब थोड़ा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सेंटीमेंट पूरा सेलिंग साइड का बना दिया है, तो ये रिएक्शन देखेगा तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, तो मार्केट क्या करेगा, मे बी उनको निकालता हुआ यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे थोड़ा मोड़ा रिएक्शन लेकर ऊपर के साइड निकल सकता है, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी मेरे को समझ में आ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बना लिया, और मार्केट तो गिर रहा है यहाँ से, देखते हैं लॉस रिक्स तो बना हुआ है पोजीशन में, और देख लेते हैं यहाँ पे 600-700 के आसपास का लॉस चल रहा है, यहाँ पे 1,000 के आसपास का लॉस होने वाला हमारा इस ट्रेड में। तो वेट करते हैं, अभी कैंडल तो अच्छा बनाया है, ठीक है। इसके साथ साथ ही अगर ग्रीन कैंडल बना देगा तो दिक्कत नहीं होगा, जब तक ये छोटा छोटा कैंडल बना रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर फिर से अगर ऐसा कोई बड़ा रेड कैंडल बनाया तब तो हमें लॉस हो जाएगा, बट ये छोटा छोटा कैंडल बनाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर का एसएल ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा, जितना ज़्यादा एसएल मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा मूवमेंट कर पाएगा ऊपर के साइड। तो वही मार्केट कर रहा है, देखते हैं यहाँ से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना के निकल जाए तो थोड़ा हम सेफ हो जाएंगे यहाँ पे। और हाँ, कल के दिन क्या हुआ था एक्चुअली, तो मैं मॉर्निंग में ट्रेड, कल का दिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मैं मॉर्निंग में ट्रेड लेता हूँ और मॉर्निंग का ट्रेड होने से तो गाइज अपना पोजिशन प्रॉफिट में आ गया, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, एक ही कैंडल में 1300-1400-1500 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ठीक है, वेट करेंगे 1700, वेट करेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा, अरे 2,200 देखिए, इसी मोमेंट का लग रहा है 3,000, वो एक इसमें देखिए एक कैंडल में 3,000 का प्रॉफिट, ये पूरा बिल्कुल मैनिपुलेटिंग है 4,000। तो यहाँ पे अब पोजीशन काट लेते हैं। ओके गाइस, तो प्रॉफिट बुक कर लिया हमने, एक लॉट में हमने 4,000-4,500 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया, जस्ट इमेजिन एक लॉट में। तो पोजीशन क्यों बनाया था, बिल्कुल यहाँ पे सिंपल था, क्योंकि मार्केट बिल्कुल सेंटीमेंट यहाँ पे नेगेटिव साइड का कर दिया था,
फिर ये रिजेक्शन पे जाके रिजेक्शन ले रहा था और यहाँ से डाउन साइड आने का कोशिश कर रहा था। तो वैसे में ये सब चीज़ें ध्यान में रखा था मैं बिल्कुल, क्योंकि डेली डेली तो मार्केट सेलर को इतना आसानी से पैसा नहीं दे सकता। तो वे ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बना लिया था। बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला है। पोजीशन हमने कब बनाया था, 9:32 में, 9:38 में हमने एग्जिट कर दिया। ओवरऑल आज का प्रॉफिट है 4,500 के आसपास। एक्चुअली कल के दिन प्रॉब्लम क्या हुआ था गाइस, ओ माय गॉड, तो गाइस कल का दिन प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैं मॉर्निंग में ट्रेड लेता हूँ, अगर मॉर्निंग में मुझे कोई ट्रेड मिल जाता है तो मैं उसमें कॉन्फिडेंट के साथ वेट कर जाता हूँ। बट क्या होता है कि दोपहर के टाइम 12-2 बजे के बाद, और दोपहर का ट्रेड में क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट उतना अच्छा तरह से मिलता नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हमने ट्रेड बना रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जा रहा था। वो थोड़ा वहाँ पे क्या कॉन्फिडेंट का प्रॉब्लम आ जा रहा था और साइकोलॉजी का भी प्रॉब्लम आ जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जा रहा था जल्दी से। अगला वीक में थोड़ा SL भी बहुत ज़्यादा हिट हो गया था, तो थोड़ा संभल संभल के काम कर रहा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है गाइस, तो चलिए अच्छा आज का दिन हमने काम किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।